हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। ईस्टर्न रेलवे ने अपना एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ईस्टर्न रेलवे की ये वैकेंसी कई सारे डिविजन्स और वर्कशॉप के लिए निकली हुई है। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि टोटल 1,165 रिक्त पद खाली हैं, जिसके लिए भर्ती की जाने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया है कि जिन कैंडिडेट लोगों का ITI कम्प्लीट हो चुका है तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ITI में दो कैटेगरीज आ जाएंगी, एक वो होंगी जो 8वीं के बाद ITI किया होगा जिन्होंने, और जो दूसरी कैटेगरी वो है 10th+ ITI होगी। तो दोनों कैटेगरी का जो एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकती हैं, और यहाँ पर आप लोगों की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो RRC ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन, तो जो पब्लिश हुआ था नोटिफिकेशन वो 23/9 को हो गया था, और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन 30/9 से ये फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर 2022 होने वाली है। अब आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि कौन कौन सी डिवीज़न में और वर्कशॉप में आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं आप लोगों को डिवीज़न और वर्कशॉप के नेम बता दे रहा हूँ, और शॉर्ट में बताऊँ तो सारे ही ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आप यहाँ पर देखते जाइए आपकी कैटेगरी और जो अपना उसके हिसाब से कितनी सीट खाली है। हावड़ा डिवीज़न में काफ़ी सारी वैकेंसीज है, आप यहाँ पर देख लीजिए, फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल यहाँ पर 659 वैकेंसीज खाली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिलिया वर्कशॉप में जो टोटल यहाँ पर 612 रिक्त पद हैं, और फिर है सील्ड डिवीज़न में यहाँ पर आप देख सकते हैं 440 रिक्त पद हैं, और फिर है कंचापारा वर्कशॉप, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। तो कोई भी एक वर्कशॉप या फिर डिवीज़न में आप डाल पाएंगे। मालदा डिवीज़न 5वां डिवीज़न है ये, और फिर उसके बाद में ये SN सोल डिवीज़न 6 नंबर, और फिर ये जामलपुर वर्कशॉप। तो ऐसे करके आप टोटल यहाँ पर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, और साथ ही साथ आप लोग देख लीजिए कि अपना ट्रेड वहाँ पर है या नहीं, ठीक है, उसके बाद में अप्लाई कीजिए। अब हम देखते हैं आगे, तो ये रिजर्वेशंस के बारे में कुछ बताया हुआ है। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक वैसे नीचे में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम है 15 साल और मैक्सिमम आयु है 24 साल। कुछ लोग 24 के पार भी हो गए होंगे तो मैं उन्हें एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ। SC और ST कैंडिडेट लोगों को 5 साल की छूट है, तो आप 24 में 5 ऐड कर दीजिए, 29 साल तक के ST और SC वाले अप्लाई कर सकते हैं। OBC की हम बात करें तो OBC के लिए 3 साल की छूट है, तो 27 तक के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए 10 साल की छूट रखी गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था दो कैटेगरी है, 8वीं और एक साथ ही साथ 10वीं वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं वालों के लिए बताया गया है कि 8वीं वाले इस जो ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम देखें तो आप लोगों का मेरिट के हिसाब से जो लिस्ट बनाई जाएगी। तो हम बात करते हैं 10th+ITI और फिर 8th+ITI कैसे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर आपका 10th पास है तो मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम और साथ ही साथ ITI के जो परसेंटेज है वो जोड़े जाएंगे, और फिर उसके बाद में इसका जो हाफ में इंटू कर दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया, अगर आपके पास में 10वीं में 80.58% है प्लस ITI में 91.68 है, तो जो टोटल उसका जो नॉर्मलाइज हो जाएगा वो 86.13 हो जाएगा। इस हिसाब से लिस्ट बनाई जाएगी, और उसी प्रकार से 8वीं में भी ऐसे ही किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखें तो 100 रुपये फ़ीस रहेगी, नॉन रिफंडेबल है। ST और SC फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करना होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है इनकी वेबसाइट में आप लोगों को कोलकाता की जो वेबसाइट है RRC कोलकाता वहाँ पर जा कर के अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक मैंने आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से जा कर के अप्लाई वाले जो उसमें चले जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि अपलोड करने होंगे, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब नीचे देखते हैं यहाँ पर, तो नीचे कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सब
ये कास्ट सर्टिफिकेट बताया गया है, ये सब फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप चाहे तो इन्हें भी एक बार देख सकते हैं। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ और क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।